जो जातियों के लिए प्रस्तुत किए गए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाला है। धन उत्पादन कौन करता, कल कारखाने में नौकरी कौन चलाता, ठेला कौन चलाता, असंगठित क्षेत्र में कौन काम करता। लोगों से हमारा कोई दुराव नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन 90% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। आरक्षण 90% हो कि जो आंकड़े सामने आए हैं आज उसको सभी लोगों ने बहुत विश्वसनीय माना है, बहुत प्रामाणिक माना है। चाहे वो डाटा साइंटिस्ट हो, चाहे वो ड्रोमे गाफड़ हो, चाहे वो अर्थशास्त्री हो, चाहे एकेडमिशियन हो, सभी लोगों ने एक स्वर से बिहार सरकार के जातीय गणना का, जातीय सर्वे के विश्वसनीयता को बहुत सही माना है। वो आंकड़ा ये बता रहा है कि इस देश में जो 90% लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, इनकम की स्थिति क्या है। वो आंकड़े इस बात को कि जो 90% लोग हैं उनके पास 10% वेल्थ है। कि अगर देश का निर्माण ईमानदारी से करना चाहते, देश को आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते, तो बेईमानी से कोई राष्ट्र आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उन्नत नहीं होता है। सबसे अग्रणी राजनीतिक दृष्टि से देश का राज्य है, ऐसी बात से परिलक्षित होता है कि जिस मांग को, जो बहुजनों की मांग थी, जो 90% लोगों की मांग थी कि जातीय जनगणना कराया जाए देश के स्तर पर, उस मांग को अनसुनी करने का काम एनडीए के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन वहीं हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को और अपने डिप्टी सीएम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस प्रकार अन्य मामलों में हमेशा बिहार अग्रणी भूमिका को निभाता है, उसी भूमिका में फिर से बिहार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया जो पूरे देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। जो जातीय आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाला है। आपको मालूम है कि, और हम पक्ष विपक्ष के सभी लोगों को ये कहना चाहते कि आप खुले मन से, अच्छे मन से सरकार के इसके निर्णय का दिल खोलकर स्वागत करिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है देश और बिहार के लिए भी, कि इस दस्तावेज को अध्ययन करके सरकार को नीति बनाने में बहुत कारगर मदद मिलेगी। आपको मालूम है ये लंबे समय से मांग की जा रही है कि इस देश में ओबीसी की हालत क्या है, इस देश में एसटी की हालत क्या है, इस देश में दलितों की स्थिति क्या है, इस देश में माइनॉरिटी की स्थिति क्या है, अन्य बहुजनों की स्थिति क्या है। बिना इसका पता लगाए उनके हक में नीतियां कैसे बनाई जाएंगी। आपको मालूम है कि जो आंकड़े सामने आए हैं आज उसको सभी लोगों ने बहुत विश्वसनीय माना है, बहुत प्रामाणिक माना है। चाहे वो डाटा साइंटिस्ट हो, चाहे वो ड्रोमे गाफड़ हो, चाहे वो अर्थशास्त्री हो, चाहे एकेडमिशियन हो, सभी लोगों ने एक स्वर से बिहार सरकार के जातीय गणना का, जातीय सर्वे के विश्वसनीयता को बहुत सही माना है। मित्रों, अब हम कहना चाहते हैं कि आज आप देखिए कि यह जो 90% लोग हैं, बहुत सही सवाल उठाया जा रहा है। बहुत तरह के आंकड़े, जो इंटरनेशनल आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आंकड़े हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट को देख रहा था जो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसके डाटा को पूरी दुनिया में बहुत विश्वसनीय ढंग से देखा जाता है। उसके जो थॉमस पिकेटी है और जो नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी है, उसने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिस हेडिंग से, वेल्थ इनइक्वालिटी क्लास और कास्ट इन इंडिया 1961 से 2012 के बीच का, वो आंकड़ा ये बता रहा है कि इस देश में जो 90% लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, इनकम की स्थिति क्या है। वो आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि जो 90% लोग हैं उनके पास 10% वेल्थ है। हम विपक्ष के लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर देश का निर्माण ईमानदारी से करना चाहते, देश को आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते, तो बेईमानी से कोई राष्ट्र आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उन्नत नहीं होता है। उसके लिए ईमानदार प्रयास और ईमानदार आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं। जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उनके आधार पर ये जो 90% लोग हैं
वो कहां खड़ा है। चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे मीडिया हाउस हो, चाहे कारपोरेट का क्षेत्र हो, चाहे अन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र हो, सभी मामलों में बहुजन शून्य की स्थिति पर है। ये देश के लिए ये बहुत अचरज भरा विषय है। रिक्शा कौन चलाता, खेतों में धान उत्पादन कौन करता, कल कारखाने में नौकरी कौन चलाता, ठेला कौन चलाता, असंगठित क्षेत्र में कौन काम करता, जूता कौन सीता, भीख कौन मांगता, ये सारे बहुजन है। इसमें एक भी ऊंची जाति के लोग नहीं है। ये बताता है कि बहुजनों की स्थिति इतने वर्षों के बाद भी कहां खड़ा है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे बताने आया हूं कि पक्ष और विपक्ष का, दोनों का ये समान दायित्व है कि हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए 90% लोगों को आपने कमजोर छोड़ दिया तो ये देश कभी मजबूत नहीं होगा। देश में नीतियां किसके लिए बनाई जा रही है? अडानी अंबानी के लिए। एक ऐसा मुल्क बनाया जा रहा है कि एक तरफ जब 2024 में 14 में मोदी जी आए थे, उस समय में अडानी की संपत्ति केवल 66,000 करोड़ थी और 8-9 वर्षों में उसकी दौलत में कितना इजाफा हुआ, 14,00,000 करोड़। ये कैसे संभव हुआ? गरीब आदमी जो मेहनत करता दिन रात खेतों में, कल कारखानों में, रिक्शा चलाता है, टेम्पू चलाता है, पसीना बहाता है, वो लगातार गरीब होता जा रहा है। ये कैसी नीतियां बना रहा है भारत सरकार? आप देखिए, जो कोरोना काल से लेकर आज तक जो ये जो बड़ा सा मिडिल क्लासेज कांग्रेस की नीतियों के कारण, अच्छी नीतियों के कारण बना था, आज वो लगातार नीचे जा रहा है। मित्रों, हम कहना चाहते कि जो सामाजिक न्याय की बात है, आप सामाजिक न्याय तब तक नहीं होगा। माननीय सदस्य, जातीय जनगणना पर बोलिए, आप अपना उपलब्धि है इस पर बोलिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो परिस्थिति है, आप इस पर बोलिए, मैं उसी को बता रहा हूँ। आप जरा बीच में मत बोलिए, आप शांति बनाए रखे। ये जातिगत आग्रह से जुड़ा हुआ विषय है। मित्रों, हम कहना चाहते नीतियां बनाने के लिए आप जरा शांति रहे। 90 और 10 का जो अंतर है, ये कोई मामूली भी आदमी जानता है कि 10% बड़ा है कि 90% बड़ा है। 90% लोगों के हक में नीतियां बनाने से आपको कौन रोक रहा है? एक तरफ ओबीसी की बात करता है प्रधानमंत्री, एक तरफ दलित एससी की बात करता है, वो दिखाव की है। काम कॉर्पोरेट के हाथ में हो रहा है, किसानों के उपज का लाभकारी धाम नहीं मिल रहा है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। इसलिए मित्रों, हम कहना चाहते अध्यक्ष महोदय कि ये बात को ध्यान में रखिए कि अब मैं कंक्लूड करने की ओर बढ़ रहा हूँ कि जातीय जो जनगणना के आंकड़े आए हैं उनको ध्यान में रख करके नीतियां बनाने की जरूरत है। ये जो आरक्षण की सीमा है, जो 15% लोग है उसको 10% रिजर्वेशन, ये कैसा न्याय है? ये किस तरह का काम है? और जो 90% लोग है उसके लिए 27% आरक्षण, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 90-10% लोगों से हमारा कोई दुराव नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन 90% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। आरक्षण 90% हो। और दूसरी बात, जो तमिलनाडु के उदाहरण है, आप सब कैटेगराइजेशन करें और सरकार मुकम्मल तौर पर इस बात की व्यवस्था करे कि बहुजन के हक में आरक्षण की सीमा को 27-90% करने का प्रस्ताव बिहार विधानमंडल से केंद्र को भेजा जाए और सभी क्षेत्रों में नीतियां बना करके बहुजनों के उत्थान और प्रगति